नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज एट फाइव। आपके साथ मैं हूं अनुया यादव। निफ्टी पहली बार 10,000 के स्तर के पार बंद हुआ और आज बाजार को सुस्त शुरुआत हुई, लेकिन बाजार में खरीदारी देखने को मिली और निफ्टी नए रिकॉर्ड स्तरों पर बंद हुआ। वहीं बैंक निफ्टी, मिड कैप और स्मॉल कैप इंडेक्स भी रिकॉर्ड स्तरों पर बंद हुए। कारोबार खत्म होने पर सेंसेक्स 154 और निफ्टी 56 अंक की बढ़त के साथ बंद हुए। मेटल, ऑटो, प्राइवेट बैंक, फर्टिलाइजर और केमिकल कंपनियों के शेयरों में सबसे ज्यादा खरीदारी रही। टेलीकॉम और सीमेंट कंपनियों के शेयरों पर दबाव देखने को मिला। और निफ्टी पहली बार 10,000 पॉइंट्स के पार बंद हुआ और इस मौके पर नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के एमडी एंड सीईओ विक्रम लिमे से एक्सक्लूसिव बातचीत की जी मीडिया संवाददाता अनुराग शाह ने। सुनिए क्या कुछ उन्होंने कहा। निफ्टी के लिए आज ऐतिहासिक दिन है और पहली बार जो निफ्टी है वो 10,000 के ऊपर बंद हुआ है और इसी पर बात करने के लिए मेरे साथ है एनएससी के एमडी और सीईओ विक्रम लिमाय। सर, सर बहुत बड़ा दिन है आज, 10,000 का जो मार्क है कल बाजार ने छुआ था कुछ चंद सेकंड्स के लिए, लेकिन आज उसके ऊपर सस्टेन रहा, तो कैसे देखते हैं? और आप अब मानेंगे कि अभी तो पार्टी शुरू हुई है? देखिए, पार्टी का सवाल नहीं है ये, मतलब दिस इज अबाउट द सेंटिमेंट सराउंडिंग इंडिया एंड आई थिंक इट्स फेयर टू से दैट इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस इन द इंडियन इकोनॉमी इज क्वाइट स्ट्रांग एंड दैट हैज टू डू विद द मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी एंड द पॉलिटिकल स्टेबिलिटी दैट इंडिया करंटली एंजॉयज एंड देयरफॉर आई एम क्वाइट ऑप्टिमिस्टिक अबाउट द प्रोस्पेक्ट्स फॉर मार्केट्स ओवर द मीडियम टू लॉन्ग टर्म। आई थिंक इन द इमीडिएट टर्म एंड नियर टर्म आई वुड से दैट फंडामेंटल्स विल प्रोबेबली नीड टू कैच अप in terms of underlying earnings growth of companies and the overall growth of the economy. But markets are always forward-looking. So if you take a medium to long-term outlook, I think India is a solid investment destination. Yes, sir. Medium to long-term mein Bharat ke andar nivesh badhta rahega. Lekin sir, abhi ki rally jo hai, aap ye bhi manenge ki retail niveshakon ki bhagidari jo bazaar mein hai, wo kafi badh gayi hai. Kyunki jo aur jo dusre asset class hai, agar main real estate ki baat karu, wahan return nahi hai, gold ke andar return nahi hai, fixed deposit ke andar bhi kafi kam return hai. To isliye jo aam niveshak hai, jo Bharat ke sudur ilakon mein baitha hai, usko lagta hai ki ye jo stock market hai, equity hai, जब ट्रेंड देखता है तो उसको लग रहा है काफी अच्छा रिटर्न है, इसलिए भागीदारी रिटेल निवेशक की बढ़ती जा रही है और वो मार्केट के अंदर दिख रहा है। हाँ, ये एक अच्छा ट्रेंड है कि एसआईपी के थ्रू रिटेल इन्वेस्टर्स इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो उसके वजह से आप मार्केट टाइमिंग नहीं कर रहे हो, तो थ्रू द साइकिल आप इन्वेस्ट कर रहे हो एट हाई पॉइंट्स, लो पॉइंट्स एक्सेट्रा एंड दैट इज बीन अ पॉजिटिव ट्रेंड ओवर द लास्ट 18 मंथ्स। सो माई होप इज दैट रिटेल इन्वेस्टर्स कंटिन्यू टू एलोकेट अ पोर्शन ऑफ द सेविंग्स टू इक्विटीज एंड इन्वेस्ट थ्रू साइकिल्स ओवर द लॉन्ग टर्म rather than trying to time the market. So SIP is a good way to invest and it is important for investors, retail investors, to allocate some portion of their savings to it. ऑनलाइन मार्केटप्लेस कंपनी स्नैपडील ने फ्लिपकार्ट के 90 से 95 करोड़ डॉलर के संशोधित टेकओवर ऑफर को स्वीकार कर लिया है। सूत्रों के मुताबिक स्नैपडील के बोर्ड ने फ्लिपकार्ट के ऑफर को मंजूरी दे दी है। पिछले हफ्ते फ्लिपकार्ट ने स्नैपडील के टेकओवर के लिए 90 से 95 करोड़ डॉलर का ऑफर दिया था। बोर्ड की मंजूरी के बाद अब इस डील को स्नैपडील के शेयर होल्डर्स की मंजूरी चाहिए होगी। आपको बता दें कि स्नैपडील में सबसे बड़ा इन्वेस्टर सॉफ्टबैंक है। सूत्रों के मुताबिक सॉफ्टबैंक स्नैपडील और फ्लिपकार्ट के मर्जर के पक्ष में था। साथ ही साथ ये भी खबरें थी कि स्नैपडील इन्फीबीम के साथ जा सकता है। ऐसे में फ्लिपकार्ट ने दोबारा 90 से 95 करोड़ डॉलर का ऑफर दिया। दोनों कंपनियों के बीच पिछले कई महीनों से डील को लेकर बातचीत चल रही थी और सूत्रों का यह भी कहना है कि इसी हफ्ते डील को फ्लिपकार्ट बोर्ड की मंजूरी भी मिल जाएगी। जी बिजनेस ने पहले ही दोनों कंपनियों के बीच करार की खबरें आपको लगातार दी थी। मेरे साथ मेरी सहयोगी रूही यहां पर ज्यादा अपडेट की जुड़ गई है। रूही, आखिर इस डील का असर क्या होगा? सबसे बड़ा सवाल यहां पर यही उठता है। देखिए, ये जो डील है, अभी जो हमारे सोर्सेज ने बताया कि डील मोस्ट ऑलमोस्ट क्लोज टू डन है, जो कि स्नैपडील ने एक्सेप्ट कर लिया है, लेकिन अब इसका जो एग्जैक्ट कंपटीशन होगा अमेजोन ने, जो अमेजोन स्नैपडील और फ्लिपकार्ट दोनों की मार्केट प्लेस को काफी कुछ ले चुका है, अब देखना होगा कि अमेजोन क्या इनोवेटिव आइडियाज लेके आता है स्नैपडील और फ्लिपकार्ट को कम्पीट करने के लिए। आपको बता दें कि स्नैपडील लॉजिस्टिक्स पर बहुत स्ट्रांग है, उसके वेयर हाउसेस काफी स्ट्रांग है। वहीं जो फ्लिपकार्ट है वो अपनी ई कार्ट सर्विसेज के लिए जाना जाता है और फ्लिपकार्ट ने पहले मिंत्रा और जबंग को भी एक्वायर कर लिया। अब जब वो स्नैपडील को ऑनबोर्ड लेके आएगा
तो जो कॉम्पिटिशन होगा वो दो बड़े मार्केट प्लेयर्स एमेजोन और स्नैपडील के साथ होगा। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया रूही इस तमाम अपडेट को हम तक पहुंचाने के लिए। और इसी से जुड़ा है आज का हमारा खास कार्यक्रम, शाम 6 बजे हमारे साथ जुड़िए, विस्तार से इस मुद्दे पर बातचीत करेंगे, गेस्ट भी बहुत सारे हमारे साथ होंगे। आगे बढ़ लेते हैं, तो भूषण स्टील और भूषण पावर के खिलाफ बैंकरप्सी की कार्रवाई शुरू होगी। नेशनल कंपनी लॉ ट्राइब्यूनल यानी कि एनसीएलटी ने इसकी इजाजत दे दी है। एसबीआई ने भूषण स्टील और पंजाब नेशनल बैंक ने भूषण पावर एंड स्टील के खिलाफ याचिका दाखिल की थी। पिछले हफ्ते एसबीआई और भूषण स्टील के बीच इस मुद्दे को लेकर बहस हुई थी। भूषण स्टील का कहना था कि एसबीआई की ओर से जो मांग की गई है वो वास्तविक बकाए से 100 करोड़ रुपए ज्यादा है। इसके जवाब में एसबीआई ने कहा कि कई छोटे बैंकों का बकाया कंपनी पर था और उन सभी का एसबीआई में विलय हो गया है। एसबीआई ने भूषण स्टील से 4,295 करोड़ रुपए की मांग की है। भूषण स्टील का कहना है कि कंपनी का रीस्ट्रक्चरिंग प्लान S4A की मंजूरी के अंतिम चरणों में था और इसके साथ इंसॉल्वेंसी की कार्रवाई ठीक नहीं। भूषण स्टील पर 20 बैंकों का करीब 40,000 करोड़ रुपए का कर्ज है। अगर कोई लिस्टेड कंपनी लगातार लोन डिफॉल्ट कर रही है और आपने उसके शेयर खरीद रखे हैं तो सोचिए कि आपका पैसा कितना खतरे में है। और इसी खतरे को ध्यान में रखते हुए सेबी एक नियम तैयार कर रहा है जिसमें सभी कंपनियों को यह बताना जरूरी होगा कि उन्होंने डिफॉल्ट किया है। आरबीआई के बाद अब सेबी की ओर से लोन डिफॉल्ट को लेकर यह एक बड़ा कदम होगा। देखिए रिपोर्ट। ₹12,00,000 करोड़ ये वो लोन की रकम है जो देश के बैंकों का डूब चुका है और जिन कंपनियों ने इसे डुबाया है उनमें से 12 के खिलाफ आरबीआई एक्शन ले रहा है। यानी लोन डुबाने वाली कंपनियों से लोन की वसूली कैसे हो इस पर काम चल रहा है। लेकिन इस स्टोरी में आरबीआई बैंकों और कंपनियों के अलावा अब मार्केट रेगुलेटर सेबी भी एंट्री करने वाला है। सेबी एक गाइडलाइंस लेकर आने वाला है जिसके मुताबिक लिस्टेड कंपनियां अगर तय वक्त पर लोन की ईएमआई नहीं चुका पाती तो इसकी जानकारी एक्सचेंज यानी बीएससी एनएससी को देनी होगी। शेयरधारकों को भी इसके बारे में उन्हें बताना होगा। फिलहाल कंपनियां और बैंक्स डिफॉल्ट की जानकारी साझा करने के लिए बाध्य नहीं है। नए इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड के तहत अगर कोई कंपनी तय वक्त पर लोन नहीं चुका पाती तो बैंक्स उसके खिलाफ इंसॉल्वेंसी की प्रक्रिया अगले दिन ही शुरू कर सकते हैं। हालांकि आरबीआई के नियमों के मुताबिक अगर कंपनी लोन पेमेंट में चूक जाती है तो उसे डिफॉल्ट माना जाता है। बैंक्स उस लोन को 90 दिनों के बाद एनपीए घोषित कर सकते हैं। सेबी का ये कदम इसलिए भी अहम माना जा रहा है क्योंकि कई कंपनियां 90 दिन की डेडलाइन के अंदर पेमेंट कर देती हैं ताकि भविष्य में उन्हें फंड जुटाने में कोई दिक्कत न आए और साख पर भी बट्टा न लगे। आरबीआई की तरह सेबी ने भी अब बढ़ते एनपीए पर सख्ती शुरू कर दी है। इससे पहले भी सेबी ने लिस्टेड बैंकों से कहा था अगर आरबीआई की ओर से ऑडिट एनपीए और प्रोविजनिंग के आंकड़ों और बैंकों के खुद के ऑडिट आंकड़ों में 15% से ज्यादा फर्क है तो बैंकों को इस बारे में डिस्क्लोजर देना होगा। सेबी ने रेटिंग एजेंसियों से भी कंपनियों के कर्जों की जानकारी लेकर बताने को कहा था। आरबीआई की सख्ती के बाद सेबी के इस कदम को जानकार एक बेहतर कदम बता रहे हैं। हालांकि इसकी गाइडलाइंस का सभी को इंतजार है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। उत्तर प्रदेश के धोखेबाज बिल्डर्स के अब बुरे दिन आने वाले हैं। घर खरीदारों को अब बिल्डर्स के पीछे नहीं भागना होगा। उत्तर प्रदेश में रियल एस्टेट रेगुलेटर अथॉरिटी की वेबसाइट को लॉन्च कर दिया गया है जिसके बाद बिल्डर और उपभोक्ताओं के अधिकारों पर खुद सरकार नजर रखेगी। यूपी में घर के लिए अब आपको बिल्डर्स के ऑफिस के चक्कर नहीं काटने होंगे। यूपी के मुख्यमंत्री ने बिल्डर पर नकेल कसने के लिए रेरा की वेबसाइट लॉन्च कर दी है। 31 जुलाई तक रेरा की वेबसाइट पर सभी बिल्डर्स को कारोबार करने के लिए रजिस्ट्रेशन करना होगा। कोई बिल्डर 8 फ्लैट से ज्यादा और 500 मीटर से ज्यादा का निर्माण करता है उसके लिए रेरा में रजिस्ट्रेशन जरूरी होगा। वेबसाइट पर घर खरीदार किसी भी बिल्डर का रजिस्ट्रेशन देख सकेंगे। साथ ही उपभोक्ता बिल्डर के खिलाफ शिकायत भी कर सकते हैं। कोई भी बिल्डर फ्लैट बेचने के लिए विज्ञापन देगा उसमें भी रेरा का रजिस्ट्रेशन नंबर दिया जाएगा। हम लोगों ने आज इसका एक पोर्टल यहाँ पे लॉन्च किया है और हमें विश्वास है कि जो उत्तर प्रदेश के अंदर बहुत दिनों से चली आ रही ये बीमारी है जिसने विश्वसनीयता का एक गंभीर संकट खड़ा किया है अब इसका अंत हम लोग कर पाएंगे।
यानी अब झूठे वादे करने वाले बिल्डर्स की श्यामत आने वाली है। प्राइवेट बिल्डर्स के साथ साथ सरकारी विभाग भी रेरा के दायरे में आएंगे। पूरे प्रदेश में प्राधिकरण और आवास विभाग भी रेरा के तहत आएंगे। करीब 50,000 से ज्यादा घर खरीदार घर के लिए सरकारी विभागों के चक्कर लगा रहे हैं। 1 अगस्त से लागू होने वाले इस बिल के बाद सरकारी विभागों पर भी कार्रवाई हो सकेगी। रेरा के उल्लंघन पर बिल्डर पर वित्तीय पेनल्टी का भी प्रावधान होगा। नोएडा और ग्रेटर नोएडा में हजारों बायर्स बिल्डर्स की धोखाधड़ी के शिकार हैं। उनसे पूरा पैसा लेने के बाद भी फ्लैट नहीं मिल सके। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहले ही बिल्डर्स को चेतावनी दे चुके हैं। अब रेरा की वेबसाइट से बिल्डर्स की करतूतों पर निगाह रखना आसान हो जाएगा। अमृता पारुल, जी मीडिया, लखनऊ। तो अब उत्तर प्रदेश में जो बिल्डर्स हैं उन्हें वेबसाइट पर सारी की सारी डिटेल्स यहां पर देनी होगी। चलिए आगे बढ़ लेते हैं और मेरे साथ मेरी सहयोगी दीपिका भाटिया यहां पर ज्यादा अपडेट के जुड़ गई हैं। दीपिका, आखिर जो ये रेरा की वेबसाइट है ये काम कैसे करेगी? जी बिल्कुल, बिल्डर्स और होम बायर्स की लाइफ को आसान बनाने के लिए रेरा ने अपनी ऑफिशियल वेबसाइट यूपी के लिए लॉन्च कर दी है। आइए सबसे पहले जानते हैं कि इस वेबसाइट में क्या क्या फीचर्स दिए गए हैं। इस वेबसाइट के जरिए आप किसी भी तरीके के अगर लीगल एक्ट्स या फिर रूल्स या फिर कोई भी जानकारी जानना चाहते हैं तो उसके बारे में जानकारी जान सकते हैं। इसके अलावा अगर आप प्रोजेक्ट्स प्रमोटर्स या फिर एजेंट्स के बारे में किसी तरीके की कोई जानकारी जानना चाहते हैं उसके ऑप्शंस भी वेबसाइट में दिए गए हैं। इसके अलावा इसमें फी कैलकुलेटर का एक ऑप्शन दिया गया है, मतलब बहुत ज्यादा आपको अलग से एक पेपर लेके कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है। एरिया या फिर उससे जुड़े किसी तरीके की कोई भी आप कैलकुलेशन करना चाहते हैं तो फी कैलकुलेटर के जरिए आप कैलकुलेशन कर सकते हैं। इसके अलावा रजिस्ट्रेशन से रिलेटेड प्रमोटर्स हो, प्रोजेक्ट्स हो या फिर एजेंट्स हो उसकी जानकारी भी इस वेबसाइट पर पाई जा सकती है। इसके अलावा कंप्लेंट का ऑप्शन भी दिया गया है, मतलब अगर आप किसी तरीके की कोई कंप्लेंट करते हैं तो उसके बाद कंप्लेंट करने के बाद आप उसका स्टेटस भी जान सकते हैं कि आपकी कंप्लेंट जो है वो कहां तक प्रोसेस में पहुंची है। वेल, इस वेबसाइट के जरिए जो रजिस्टर्ड बिल्डर्स हैं वो अपने प्रोजेक्ट का प्रमोशन कर सकते हैं। इसके अलावा वेबसाइट के जरिए बिल्डर्स को डायरेक्ट रेरा का रजिस्ट्रेशन नंबर मिल जाएगा और रजिस्टर करने की आखिरी तारीख जो है वो 31 जुलाई है। बहुत बहुत शुक्रिया दीपिका इस तमाम अपडेट को हम तक पहुंचाने के लिए। आगे बढ़ लेते हैं। 2000 रुपए के नोट बंद होने की खबरों पर आरबीआई ने कहा कि ऐसी खबरों पर ध्यान देने की जरूरत नहीं है। जी बिजनेस से खास बातचीत में आरबीआई के डिप्टी गवर्नर एसएस मुंद्रा ने कहा कि सोशल मीडिया के जरिए काफी भ्रम फैलाए जा रहे हैं। उन्होंने ये भी कहा कि लोगों को आरबीआई की ओर से जारी सूचनाओं पर ही भरोसा करना चाहिए। कई बार किसी इस तरह की जो भ्रमात्मक जो सूचनाएं हैं वो भी सोशल मीडिया से बहुत जल्दी सर्कुलेट हो जाती हैं। अच्छा, हम सब लोगों की अगर कंज्यूमर की तरह देखें या एक फ़ोन यूज करने वाले की तरह देखें तो हम लोगों की भी ऐसी टेंडेंसी हो गई कि कोई मैसेज आया तो उसको पढ़ने या समझने की जगह पहले फॉरवर्ड पर हाथ दबता है, उसके बाद सोचते हैं क्या लिखा है। तो आपने देखा होगा बीच में एक थोड़ी ये बड़ी जोरों से सोशल मीडिया में अफवाहें चल रही थी, नो बैंक, पीसीए, बैंक बंद होने वाले हैं, बैंक डूबने होने वाले हैं। तब भी हमने प्रेस रिलीज जारी की थी, मैंने खुद ने अपने एक भाषण में इस बारे में काफ़ी विस्तार से चर्चा की थी। तो मेरा कहना यह है कि जब भी कोई अधिकृत कार्रवाई होना है आरबीआई उसकी एक अधिकृत सूचना देती है। इस तरह की जो भ्रमात्मक बातें चलती हैं उस पर लोग भरोसा ना करें और किसी तरह के बहकावे में ना आए। कई लोग इसको सिर्फ एक मजाक के तौर पर चला देते हैं। कई लोगों की इस तरह की सूचना देने में अपने कुछ हिडन मोटिव्स होते हैं, तो इन तरह की चीज़ों से सावधान रहें। यही मैं जितने भी दर्शक इस प्रोग्राम को देख रहे होंगे उनको कहना चाहूँगा कि इस तरह की किसी भी तरह की भ्रमात्मक बातों में ना आए। एनपीए की दिक्कतों पर मुंद्रा ने यह भी कहा कि ये बड़ी समस्या है, कोई क्रिकेट का मैच नहीं है, तमाम वजहों से ये दिक्कतें पैदा हुई है। ऐसा है कि पिच पे जाके खेलना और किस समय कौन सी बाल किस तरह आ रही है उसका सामना करना और बाहर बैठ के कमेंट्री देना, ये दोनों में बहुत बड़ा फ़र्क है। लेकिन आपके सवाल पे मैं अगर आऊँ तो देखिए इसमें कई चीज़ें जिम्मेदार रही हैं। विश्व के स्तर पर क्या घटना हुई, इतनी बड़ी आर्थिक मंदी विश्व में आई उसका प्रभाव हुआ। हमारे खुद के देश में कई पॉलिसीज जो समय समय पर आई
या कई जो न्यायिक वो डिसीजन दिए गए उनका हुआ, ये नहीं कहूँगा कि प्रमोटर्स ने कहीं गलती नहीं की, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि सारे प्रमोटर्स ने बदमाशी की, लेकिन या हो सकता है कई केसों में प्रमोटर्स ने भी जो है वो पूरी तरह से पूरी ईमानदारी से काम नहीं किया हो, और बैंकों की भी कहीं कहीं गलती रही है कि जो उनको अगर बहुत सारे जो जिस तरह के प्रोजेक्शन दिए गए हैं उसको मान लिया या जिसको कहते हैं अति उत्साह में आ गए, तो सारी इन चीज़ों से मिलके ये स्थिति आई है। और नए राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के शपथ ग्रहण के बाद पढ़े गए भाषण को लेकर राज्यसभा में जबरदस्त हंगामा हुआ। राष्ट्रपति ने दीनदयाल उपाध्याय की तुलना महात्मा गांधी से की थी, जो कांग्रेस को रास नहीं आई, और आज राज्यसभा में जमकर हंगामा किया गया। एक ऐसा समाज जिसकी कल्पना महात्मा गांधी और दीनदयाल उपाध्याय जी ने की थी। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के भाषण में पंडित जवाहरलाल नेहरू का जिक्र नहीं होने पर कांग्रेस ने राज्यसभा में हंगामा किया। कांग्रेस नेता आनंद शर्मा ने बिना राष्ट्रपति का जिक्र करते हुए कहा कि कल महात्मा गांधी की तुलना दीनदयाल उपाध्याय से की गई, जबकि देश के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू और इंदिरा गांधी का जिक्र नहीं हुआ। वित्त मंत्री अरुण जेटली ने आनंद शर्मा के बयान का जवाब दिया। इस दौरान दोनों नेताओं के बीच नोकझोंक भी हुई। पंडित नेहरू का नाम नहीं लेना इंदिरा गांधी के 100 साल इंदिरा गांधी का इशू मैं बता रहा हूँ। कल महात्मा गांधी की तुलना पंडित दीनदयाल उपाध्याय पंडित दीनदयाल आप स्मरण राज्यसभा में नेता कांग्रेस गुलाम नबी आजाद ने आनंद शर्मा के बयान का समर्थन किया और जेटली के बयान को कार्यवाही से हटाने की मांग की। गांधी जी का अपमान बराबर बराबर ये सरकार करती जा रही है। नेहरू जी का अपमान ये ऐसे बोल सकते हैं ऐसे लोगों की सेंटेनरी मनाई जा रही है जिनका भारत के स्वतंत्रता संग्राम से कोई लेना देना नहीं था। हंगामे के दौरान कांग्रेस सांसदों ने वेल में जाकर हंगामा किया। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने मंगलवार को शपथ के बाद भाषण दिया। राष्ट्रपति ने अपने भाषण में देश के 8 नेताओं का जिक्र किया था। राष्ट्रपति ने जिन 8 नेताओं का जिक्र किया उनमें से 6 कांग्रेस के नेता। राष्ट्रपति ने अपने भाषण में जवाहरलाल नेहरू और इंदिरा गांधी का जिक्र नहीं किया। राष्ट्रपति ने अपने भाषण में दीनदयाल उपाध्याय की तुलना गांधी जी से की। कोयला घोटाला मामले में आरोपी नवीन जिंदल आज पटियाला हाउस कोर्ट की सीबीआई कोर्ट में पेश हुए। मामले की अगली सुनवाई 4 अगस्त को होगी। कोयला घोटाला मामले में आरोपी नवीन जिंदल आज सीबीआई की विशेष अदालत में पेश हुए। पटियाला हाउस की सीबीआई कोर्ट ने सीबीआई को निर्देश दिया कि वो मामले के 5 नए आरोपियों को चार्जशीट में लगे सभी दस्तावेज सौंपे। आरोपियों को नई चार्जशीट में लगी हार्ड डिस्क की कॉपी अभी तक नहीं मिली है, जिसे सौंपने का कोर्ट ने आदेश दिया है। कोर्ट ने सीबीआई को इसके लिए 31 जुलाई तक का वक्त दिया है, साथ ही मामले की अगली सुनवाई के लिए 4 अगस्त की तारीख दी है। कोयला घोटाला मामले में आरोपी नवीन जिंदल पर 2 मामले चल रहे हैं। पहला मामला मध्य प्रदेश के उल्टन नॉर्थ कोल ब्लॉक में आपराधिक साजिश का है, दूसरा मामला झारखंड के अमरकोंडा मुर्गादंगल कोल ब्लॉक का है। इंडियन कार मार्केट के एंट्री सेगमेंट में मुकाबला और कड़ा होने जा रहा है। निसान ने अपनी बजट ब्रांड डैटसन की कार रेडिगो को 1 लीटर इंजन के साथ नए पावरफुल अवतार में लॉन्च किया है। डैटसन रेडिगो 1.0 में 1.0 लीटर 3 सिलेंडर पेट्रोल इंजन दिया गया है, जिसे इंटेलिजेंट स्पार्क ऑटोमेटेड टेक्नोलॉजी यानी कि आईसेट से लैस किया गया है, जो इसकी परफॉर्मेंस को बढ़ाएगा। डैटसन रेडिगो के नए वर्जन में क्या खूबियां हैं, ये आपको समीर दीक्षित बता रहे हैं, देखिए।
स्मॉल कॉम्पैक्ट कार सेगमेंट में डैटसन ने रेडिगो अपना जो सबसे पॉपुलर कार है उसका उसमें एक नया वर्जन एक नया अवतार लॉन्च किया है रेडिगो 1 लीटर। खास बात यह है कि नए मॉडल को ज़्यादा पावर देने के लिए 1 लीटर इंजन का इस्तेमाल किया गया है जिससे कार को ज़्यादा पावर और एफिशिएंसी मिलेगी। लुक पहले जैसे ही है क्योंकि पिछले साल 2016 में जब रेडिगो लॉन्च किया था तो उसकी स्टाइलिंग को उसके एक्सटीरियर को काफ़ी पसंद किया गया था और उसी को बरकरार रखते हुए अगर आप देखें तो एक्सटीरियर बिल्कुल वैसे ही है, स्पोर्ट स्टाइलिश लुक एक्सटीरियर आप देख सकते हैं। जबकि इंटीरियर में थोड़े बहुत कॉस्मेटिक चेंज किए हैं, फॉर अगर आप देखें तो पूरा ब्लैक इंटीरियर है जिसमें एसी वेंट या फिर आउटलाइनिंग सिल्वर रखी गई है और इसके साथ जो बाकी खूबियाँ हैं वो पहले वाले रेडिगो जैसे बरकरार रहेंगे। लेकिन कॉस्मेटिक चेंज के साथ जो सबसे बड़ा बदलाव इस कार में किया गया है वो है इसके इंजन को लेकर जिसमें 1 लीटर इंजन का इस्तेमाल किया गया है और कंपनी का दावा है कि इससे न केवल फ्यूल एफिशिएंसी बेहतर हो पाएगी, गाड़ी को ज़्यादा पावर मिल सकेगी बल्कि सिटी राइडिंग में भी ये काफ़ी स्मूथ इसकी राइडिंग हो पाएगी। पिछले साल जब रेडिगो लॉन्च की गई थी तो इस सेगमेंट में लोगों ने इसको पसंद किया था और इसके नंबर्स भी बढ़े थे जिससे डैटसन को अपनी मार्केट स्पेस बनाने में काफ़ी मदद मिली थी। इसीलिए डैटसन को उम्मीद है कि 1 लीटर इंजन के साथ में जहां कार को ज़्यादा पावर मिल सकेगी ज़्यादा एफिशिएंसी मिल सकेगी तो जो लक्ष्य है उनका 5% मार्केट स्पेस हासिल करने का इसमें वो ज़रूर कामयाब हो पाएंगे। लेकिन अगर आप बाकी और डिटेलिंग में देखें चाहे वो बूट स्पेस हो या कार के इंटीरियर्स या एक्सटीरियर में वो लगभग एक से हैं जो पिछले साल लॉन्च की थी। तो ये एक बड़े बदलाव जिसमें पावर कार को ज़्यादा देते हुए 1 लीटर इंजन का इस्तेमाल किया है इसके साथ डैटसन रेडिगो लॉन्च की है। लेकिन सबसे बड़ी खूबी इसकी प्राइसिंग है 357,335 रुपये में लॉन्च की है और चूंकि GST देश में लागू हो चुका है लिहाजा ये प्राइस पूरे देश में एक समान रहेगा, यानी कि आप कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक कहीं भी अगर आप कार ये खरीदते हैं तो 357,335 जो एक्स शोरूम प्राइस है वही बरकरार रहेगा और इसी के साथ बाकी टैक्सेस की जो झंझट थी वो आपको नज़र नहीं आएगी। कैमरामैन मलिक के साथ समीर दीक्षित, दिल्ली, जी मीडिया। करगिल विजय दिवस के 18 साल पूरे होने पर पूरा देश आज उन वीर शहीदों को नमन कर रहा है। और भारत की महिला क्रिकेट टीम वतन लौट आई है। इंग्लैंड में लॉर्ड्स के मैदान में भले ही टीम ने फाइनल मैच नहीं जीता हो लेकिन टीम ने देश का दिल जरूर जीत लिया। आज सुबह महिला टीम मुंबई एयरपोर्ट पर पहुंची, यहां उनका शानदार स्वागत किया गया। टीम के एयरपोर्ट पहुंचते ही फैंस की भारी भीड़ वहां जमा हो गई। फैंस अपने फेवरेट खिलाड़ियों के साथ सेल्फीज लेने की कोशिश कर रहे थे। एयरपोर्ट पर टीम के खिलाड़ियों का स्वागत तिलक और फूल मालाओं से किया गया। फैंस ने इंडिया इंडिया के नारे लगाए। 23 जुलाई को हुए फाइनल मुकाबले में इंग्लैंड ने भारत को 9 रनों से हराते हुए ICC महिला विश्व कप का खिताब अपने नाम कर लिया था। लेकिन जब फैंस भारत लौटे तो एयरपोर्ट पर उनका जमकर स्वागत हुआ। तो फैंस का जोश यहां पर अपने खिलाड़ियों को देखते ही बनता था। चलिए इस बुलेटिन में मेरे साथ बस इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।